नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पेट्रोलियम जेली किस तरह बनाई जाती है। वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़ की जाती है ठंडी के मौसम में, इसे हम बनाना सीखेंगे। तो पेट्रोलियम जेली बनाने की ये सेकेंड वीडियो है, इससे पहले भी मैंने वीडियो इसकी अपलोड कर रखी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं ये वैक्स है और साथ ही इसके अंदर मिनरल यूज़ किया गया है। तो वैक्स और मिनरल दोनों को यूज़ करना है, दोनों को हीट करना है। एक साथ गैस बर्नर पर रख दीजिए, दोनों को हीट करिए और जो पिघल जाए, पूरी तरह आपस में मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए, तो उसे किसी कंटेनर में डाल दीजिए जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं रख के, उसमें ये अपने शेप में आ जाएगा ठंडा होने के बाद। याद रखिए इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है वैक्स। तो एमल्सीफाइंग वैक्स या पैराफेक्स वैक्स को यूज़ किया जा सकता है। याद रखिएगा, पैराफिन वैक्स या फिर एमल्सीफाइंग वैक्स, ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप मिनरल के साथ। क्वांटिटी मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आपका प्रोडक्ट हीट हो जाता है और हीट होने के बाद मेल्ट हो जाता है वैक्स, तो इसे आप किसी भी कंटेनर जिसमें आप इसे यूज़ करना चाहते हैं उसमें रख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा कि किस तरह ये ठंडा होता है, इसलिए मैं किसी कंटेनर में यूज़ नहीं कर रहा। इस तरह आप रख के इसे छोड़ दीजिए या फिर ठंडे पानी में रख दीजिए, ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, या फिर फ़ैन के नीचे रख दीजिए, या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि इसे किस तरह जो है ठंडा किया जाए, तो आप इसको साथ कुछ भी मत करिए, इसी तरह रख के छोड़ दीजिए और कम से कम 2 घंटे बाद इसे देखिए, आपका प्रोडक्ट पूरी तरह ठंडा मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं लाइव कि धीरे धीरे कैसे ठंडा होता है आपका प्रोडक्ट, तो एक चम्मच ले लीजिए और आपके चम्मच के जरिए उसे मिक्सिंग करते रहिए, और जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और उसका शेप जो है चेंज होता जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा, उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ज़रूर इस तरह प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।